आपके गांव में हुआ, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आप बताओ क्या नाम है? सिंपी कुमारी। सिंपी, कैसा लगा आज मैच हुआ तो? बहुत अच्छा लगता है ना कि हमारे यहाँ भी। लाइव न्यूज 24, मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। जमुई झाझा प्रखंड मुख्यालय का छापा कोलबाड़ी में, इस तरह आप लगातार देख रहे हैं, 6 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, जहां आज स्टार 11 नामक टीम ने विजेता का ताज पहना है। जिस तरह से तमाम ग्रामीणों में प्रतिभा की कमी नहीं, तमाम लोगों में एक कसक है, एक दर्द है कि कहीं ना कहीं सांसद, विधायक या जिला क्रिकेट टीम के जो अध्यक्ष है, जो DCA का सदस्य है, अध्यक्ष है, तमाम लोगों को ग्रामीण प्रतिभा को निखारने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। तमाम लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से सांसद चिराग पासवान, स्थानीय विधायक दामोदर रावत समेत जिला क्रिकेट संघ के जो अध्यक्ष हैं संजय सिंह, उनसे भी आग्रह किया कि हजूर हमारे लोगों में भी प्रतिभा, हम में भी प्रतिभा है, हम लोगों को भी खींचकर, हम लोगों को खींचिए और हम लोगों को भी फलक पर अपना परचम लहराने दीजिए। वीरेंद्र कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखिए। मुनी साहब लगातार युवाओं को प्रोत्साहित करते रहते हैं, हर युवा में एक तरह से एक जोश होता है, एक उमंग होता है, खूबियां होती है, कहीं ना कहीं सब में गुण होता है, तो क्या कहें, जिस तरह युवाओं को आप निखारने का काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लगा युवा के साथ में, और मैं चाहता हूँ कि मेरे युवा जितने भी हैं अगर यही पुरस्कृत में रहें तो हमेशा हम इनके साथ ही रहेंगे और ये भारत पूरे देश के लेवल पर खेला जाए और मैं इनका हमेशा साथ रहूँगा, समर्थन मेरा इन्हीं के साथ रहेगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार यादव। निरंजन, जिस तरह से युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, कहीं ना कहीं उसको निखारने की जरूरत है, क्या कहेंगे आप? जी सर, इस पे देखिए हर गांव में, ये मेरा गांव का ही बात नहीं है, बिल्कुल सभी गांव में सभी युवाओं का जिस तरह खेल का प्रदर्शन होता है, अगर हमारे जिलाधिकारी DM महोदय अगर इस पे ध्यान दें तो हमारे गांव का जो युवा है वो आगे की ओर बढ़ेगा। कहीं ना कहीं लगता है कि सांसद या विधायक को भी इस और ध्यान देने की जरूरत है? बिल्कुल, हमारे जो स्थानीय विधायक हैं और स्थानीय जो सांसद हैं अगर हमारे गांव पे ध्यान दे तो जो प्रतिभा छुपी हुई है युवाओं के बीच वो सबके सामने निकले और नेशनल लेवल पे जाके अपना देश का नाम रोशन करे। क्या नाम है आपका? बालेश्वर। बालेश्वर जी, जिस तरह आज युवाओं में प्रतिभा है, कहीं ना कहीं क्रिकेट को लेकर जो दीवानगी है, तो कहां तक लेके जाएंगे युवाओं को, कैसे आप पथ प्रदर्शक बनेंगे, कैसे लोगों को प्रोत्साहित करेंगे? जिस तरह आज हमारे युवाओं ने खेल दिखाया है, अगर इसमें अच्छा अच्छी तरह से मेहनत करें तो ये गांव से निकलकर राज्य और देश तक के लिए खेल सकते हैं। अच्छा, यहाँ कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता नहीं लगती कि ध्यान देने की जरूरत है? अच्छा, कहीं नहीं लगता कि जो जिला क्रिकेट टीम के जो अध्यक्ष हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है, राज्य स्तरीय टीम की ध्यान देने की जरूरत है? जी जी, अगर ये लोग ध्यान दे तो लगता है हमारे बच्चे भी टॉप कर सकते हैं, मानते हैं इस चीज को? जी जी, मानते हैं। जिस तरह आज युवाओं में कहीं ना कहीं प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है, तो क्या कुछ लगता है आपको? हम लोग को बहुत अच्छी लगा, बहुत अच्छा लगा, जो कि कोलबाड़ी का जितना भी युवक खिलाड़ी था, मतलब अच्छी लगा, बहुत अच्छा, और हम लोग चाहते हैं कि इतना मतलब आगे बढ़े जो कि हम लोग की बहुत अच्छे लगे, गाँव की रोशन बढ़े और बहुत तरक्की सुंदर की बात है। सब तमाम युवा आगे बढ़े यही चाहते हैं आप? हाँ, हम यही चाहते हैं। क्या नाम है आपका? नितेश कुमार। कौन सी टीम थी आपकी? 11 कोलवाड़ी 11 ग्रुप। क्या लग रहा है आपको आज आप विजेता बने हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या करने का इरादा है? यही क्रिकेट खेलना है, आ गया आरब करियर इसमें ढूंढ रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, जिस तरह से गांव में प्रतिभा भरी हुई है, कहीं ना कहीं उसको निखारने की जरूरत है, क्या कहेंगे आप? यही और अच्छा साथ देना चाहिए बाबा को। क्या नाम है बाबा का? जॉनी यादव। जॉनी, अच्छा, जिस तरह से जिला क्रिकेट टीम है, कहीं ना कहीं आप खेलना चाहेंगे, राज्य स्तर पर खेलना चाहेंगे, क्या खेलना चाहेंगे आप? जमुई। क्या नाम है आपका? आशीष। क्या कमी रह गई थी तैयारी में जो आज आप? तो क्या कुछ लगा, अगली मैच जो होगी वो बहुत जबरदस्त होगी, अच्छे अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आपका? पूरी तैयारी होगी? चलिए, बहुत बता दीजिए आपको। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। किस टीम से खेला आपने? कोलवाड़ी का टीम से। कैसा लग रहा है मैन ऑफ द मैच का आपको? मजा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या करेंगे आप? आगे
मेरा कप्तान बता। अरे आगे खेलना चाहते हैं जिला लेवल स्टेट लेवल पे। बहुत अच्छी कमेंट्री, क्या लगता है आपको इन युवाओं को किस चीज की जरूरत है? सर युवाओं को एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, उनको आगे बढ़ाने वाला एक होना चाहिए। उनको मतलब अपने जो वो मेहनत करते हैं वो सही तरीके से अपने आप को पहचान नहीं पाते, उनका एक सही मार्गदर्शक नहीं है। अगर उनको एक सही मार्गदर्शक मिल जाए तो वो काफ़ी मतलब अपने ग्रामीण क्षेत्र से हो या मतलब किसी भी क्षेत्र से हो, उनको ये फर्क नहीं पड़ता है, वो बहुत काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। और हालांकि ये क्रिकेट की बात है, खेल से लेकर के किसी भी स्तर तक वो जा सकते हैं। और अभी बल्लेबाज अच्छा नंबर पहुंच चुके हैं, जो भी काफी छोटे पारे खेलते हैं, अभी बॉल लेकर चला है बोले और हवा में खेल रहा है। तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र में, अच्छा क्या लग रहा है आपको गांव में जो प्रतिभा छिपी हुई, कहाँ निकलना चाहेंगे आप? पूरे देश में खेलना चाहते हैं, पूरा देश में खेलना चाहते हैं, जम्मू ले चलिए देश के जो क्रिकेट आगे और आगे मंजिल तक अपने ठेका, हम इनके समर्थन पूरा रखेंगे जारी है। क्या नाम आपका? नीबा। कहीं ना कहीं जिस तरह आज क्रिकेट मैच आपके गाँव में हुआ, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। आप बताओ क्या नाम है? सिंपी कुमारी। सिंपी कैसा लगा मैच हुआ तो? बहुत अच्छा लगता है ना कि हमारे यहाँ भी सचिन तेंदुलकर जैसा लोग कोई खेल रहा है।